हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे लोअर लिम की मसल। लोअर लिम में चार ग्रुप के मसल्स आते हैं, मसल ऑफ द पेल्विक गर्डल, मसल ऑफ द थाई, मसल ऑफ द लेग एंड मसल ऑफ द फुट। चार ग्रुप के मसल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में दो ग्रुप होते हैं, इंटरनल ग्रुप, एक्सटर्नल ग्रुप। इंटरनल ग्रुप में सबसे पहले इलियाकस, श्वास मेजर, श्वास माइनर, पिरिफॉर्मिस, ऑब्ट्रेटर इंटरनस। गाइज, ये है रिमनेंट ऑफ द श्वास मेजर मसल और इलियाकस मसल। एंड एक्सटर्नल ग्रुप के मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड क्वाड्रेटस प्लांटी, क्वाड्रेटस फिमोरिस, गैमलस सुपीरियर, गैमलस इन्फीरियर, टेंसर फेसी लैटी। अब हम दिखा रहे हैं, ये है हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ये हमारा ग्लूटियस मिनिमस मीडियस, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये है हमारा ग्लूटियस मीडियस, ये है हमारा ग्लूटियस मिनिमस, ये हमारा है पिरिफॉर्मिस मसल। पिरिफॉर्मिस मसल क्लियर, ये पिरिफॉर्मिस मसल, गैमलस सुपीरियर, गैमलस इन्फीरियर, क्वाड्रेटस फिमोरिस। अब हम बात करेंगे इसके टोपोग्राफी के। टोपोग्राफी ऑफ द पेल्विक गर्डल है ऑब्ट्रेटर कैनाल। ऑब्ट्रेटर कैनाल ये किसके किसके बीच होता है? ऑपरेटर कैनाल हमारा सुपीरियर एज ऑफ द ऑपरेटर मसल एंड ऑपरेटर ग्रुप ऑफ द प्यूबिस इसके बीच होता है। ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर नर्व, ठीक है, पास होता है। ऑपरेटर मसल्स, एक्सटर्नल ऑपरेटर मसल्स, ये है सुपीरियर एज ऑफ द एक्सटर्नल ऑपरेटर मसल्स एंड ऑपरेटर ग्रुप ऑफ द प्यूबिस हियर। अब हम बात करेंगे मसल ऑफ द थाई। थाई में सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप में मसल सबसे पहले सार्टोरियस, रेक्टस फिमोरिस, फिर वॉस्टस इंटरमीडिएट, लैटरल एंड वॉस्टस मीडियल मसल। ये है हमारा सार्टोरियस मसल, सुपरफिशियल मसल है ऑफ द इंटीरियर थाई। ये हमारा रेक्टस फिमोरिस, डीप मसल है। ये हमारा टेंसर फेसी लैटी है हियर। इल्यूटिबल ट्रैक्ट कंटिन्यूएशन है। देन वॉस्टस लैटरलिस, वॉस्टर मीडियलिस एंड इंटरमीडियस। ओके, वॉस्टस मीडियस, इंटरमीडियस एंड लैटरलिस। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द थाई मसल। पोस्टीरियर ग्रुप में तीन मसल होते हैं, बाइसेप फिमोरिस होता है, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस होता है। तो ये हमारा है बाइसेप फिमोरिस हो गया, इसका लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड इधर है इसका, और ये है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस, ये है हमारा सेमी टेंडिनस। अब यहाँ पे तीन ग्रुप, तीन रीजन से ने सर्टोरियस फ्रॉम इंटीरियर रीजन एंड ग्रेसलिस फ्रॉम मीडियल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से हमारा सेमी टेंडिनस मसल। ये तीनों मसल मिल के पेस एंसेरिनस बनाते हैं। अब बात करेंगे इसके टोपोग्राफी के। सबसे पहले टोपोग्राफी ऑफ द फिमोरल कैनाल। फिमोरल कैनाल को फिमोरल ट्रायंगल को, सबसे पहले फिमोरल ट्रायंगल को हम स्कार्प ट्रायंगल भी बोलते हैं। टोपोग्राफी ऑफ द एंटीरियर थाई, हम टोपोग्राफी की बात है, सबसे पहले मस्कुलर स्पेस और वेस्कुलर स्पेस। वेस्कुलर स्पेस जो होता है वो हमारा मीडियल होता है, मस्कुलर स्पेस हमारा जो है लैटरल होता है। तो बाउंड्री ऑफ द मस्कुलर स्पेस, लैटरली लैटरल से हमारा इलियम होता है, मीडियल से हमारा इलियोपेक्टिनल आर्च होता है, ये मीडियल प्लेस्ड होता है, और एंटीरियर से हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, और मस्कुलर स्पेस से हमारा इलियोप्सॉस मसल पास होता है, ये इलियोप्सॉस और फिमोरल नर्व पास होती है। अगला है वास्कुलर स्पेस। वास्कुलर स्पेस जो होता है वो हमारा मीडियल होता है, और इसकी जो बाउंड्री, इसके जो मीडियली बाउंड्री, लेटरली हमारा मीडियली बाय द लगुनल लिगामेंट, लेटरल बाय द इलियोपेक्टिनल आर्च, सुपीरियर बाउंड्री इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, पोस्टेरियर से पेक्टिनियल फेशिया होता है, पेक्टिनियल लिगामेंट होता है, ठीक है। इसमें से हमारा फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल वेन पास होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, सबसे पहले एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल की बाउंड्री, एडक्टर कैनाल में मिडली बाय द एडक्टर मैग्नस, मिडली बाय द एडक्टर मैग्नस होता है, यही होता है, मिडली बाय द एडक्टर मैग्नस हियर,
हियर, मिडिली बाय द इरेक्टर मैग्नस होता है, लेटरली बाय द वॉस्टस मीडियलिस एंड इंटरली बाय द लेमिना वैसा एडुक्टोरिया। इससे हमारा इस कैनाल से क्या पास होता है, इस कैनाल से सैफेनस नर्व पास होता है, फीमोरल आर्टरी पास होता है, फीमोरल वेन निकलते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं मसल ऑफ द लेग, एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लेग मसल। तीन मसल होते हैं, सबसे पहले टिबियलिस एंटीरियर मसल हियर, टिबियलिस एंटीरियर मसल एंड देन फ्लेक्सर हैलुसिस एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, ये मसल, ये टेंडन है एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस का, ये है टेंडन एक्सटेंसर डिस्टोरम लॉन्गस का टेंडन। तीन मसल, इनका जो फंक्शन है वो एक्सटेंड कराते हैं लेग को हमारे। अब हम बात करते हैं गाइस पोस्टीरियर मसल ऑफ द लेग। सबसे पहले सुपरफिशियल मसल, सुपरफिशियल मसल जो होता है वो सोलियस होता है, गैस्ट्रोसिनिमियस होता है। ये गाइस है गैस्ट्रोसिनिमियस का मीडियल हेड और ये है हमारा लेटरल हेड, लेटरल और मीडियल हेड जो कि पॉपलेटल फोसा का इंफीरियर बाउंड्री है। और हमारा सोलियस और गैस्ट्रोसिनिमियस मिलके हमारा एचएलएस टेंडन बनाते हैं हियर, ये एचएलएस टेंडन है। अब बाउंड्री ऑफ द पॉपलेटल फोसा, पॉपलेटल फोसा सो इंफीरियर बाउंड्री बाय द हमारा मीडियल लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनिमियस, और जो सुपीरियर बाउंड्री है वो हमारा मिडली बाय द सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडिनस एंड लैटरली बाय द बाइसेप फिमोरिस, ये रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं, पॉपुलेशन फोसा का शेप रोम्बॉइड होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे टोपोग्राफी की, तो सबसे पहले क्रूर पॉपिटल कैनाल, क्रूर पॉपिटल कैनाल जो है डीप मसल, सबसे पहले पोस्टेरियर टिबियलिस मसल, हियर इज द पोस्टेरियर टिबियलिस मसल एंड देन फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस हियर, हियर इज द फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस एंड देन फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस हियर। डीप मसल तीन होते हैं, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस और टिबियलिस पोस्टीरियर। अब हम बात करते हैं टोपोग्राफी की, क्रूर पॉपिटल कैनाल, क्रूर पॉपिटल कैनाल की जो बाउंड्री एंटेरली बाय द टिबियलिस पोस्टीरियर मसल एंड पोस्टेरली बाय द सोलियस, कवर विद द सोलियस। अब हम बात करते हैं लेटरल ग्रुप ऑफ द मसल ऑफ लेग। लेटरल ग्रुप में दो मसल होते हैं, सबसे पहले पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रीविस, ये है पेरोनियस लॉन्गस और ये है पेरोनियस ब्रीविस। अब इसके हम टोपोग्राफी बात करते हैं, तो इसमें सुपीरियर मस्कुलो पेरोनियल कैनाल होता है, इन्फीरियर मस्कुलो पेरोनियल कैनाल होता है। सुपीरियर मस्कुलो पेरोनियल कैनाल की जो बाउंड्री है वो है लेटरली बाय द हेड सर्फेस ऑफ द फिबुला, फिबुलर हेड एंड लेटरली एंड मिडली एंड लेटरली बाय द पेरोनियस लॉन्गस टेंडन। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर मस्कुलो पेरोनियल कैनाल की बाउंड्री, तो ये है एंटेरली बाय द पोस्टेरियर सर्फेस ऑफ द फिबुला एंड पोस्टेरली बाय द फिबुलर ब्रीविस मसल। हम कंटेंट की बात करें, सुपेरियर पेरोनियल कैनाल में हमारा कॉमन पेरोनियल नर्व एग्जिट करता है एंड ब्रांच देता है सुपरफिशियल और डीप फिबुलर नर्व की। और बात करते हैं इन्फीरियर मस्कुलो पेरोनियल कैनाल कंटेंट, इसमें फिबुलर आर्टरी और फिबुलर वेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस एक्शन ऑफ द पोस्टेरियर मसल, जितने भी पोस्टेरियर मसल होते हैं चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो, वो हमारे फ्लेक्स कराते हैं हमारे लेग को पोस्टेरियरली। हम बात करते हैं मसल ऑफ द फुट, मसल ऑफ द फुट में दो ग्रुप होते हैं, डॉर्सल फुट ऑफ द मसल एंड प्लांटर, डॉर्सल मसल ऑफ द डॉर्सल फुट, इसमें दो मसल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटेंसर डिस्टोरम ब्रीविस हियर, यहाँ पे टेंडन हम देख सकते हैं एंड एक्सटेंसर हैलुसिस ब्रीविस, इसका ये टेंडन है, ये है टेंडन, दो मसल होते हैं। अब हम बात करते हैं फुट की, तो गाइस मसल ऑफ द फुट में तीन ग्रुप होते हैं, मीडियल ग्रुप होता है, मिडिल ग्रुप होता है, लैटरल ग्रुप होता है। मीडियल ग्रुप में दो मसल होते हैं, एबडक्टर हैलुसिस फ्लेक्स एबडक्टर हैलुसिस होता है, एबडक्टर हैलुसिस होता है, अपोनेंस हैलुसिस होता है। देन मिडिल ग्रुप में हमारे डॉर्सल इंट्रोसिस आते हैं और प्लांटर इंट्रोसिस आते हैं, लम्ब्रिकस आते हैं, क्वाड्रेटस प्लांटी आती है और फ्लेक्सर डिस्टोरम ब्रीविस आती है। देन हमारा लेटरल ग्रुप में हमारा है एबडक्टर डिस्टी मिनमी ब्रीविस आती है और फ्लेक्सर डिस्टी मिनमी ब्रीविस आती है।
हमारा इनका जो फंक्शन है फुट का मसल का, ये हमारा फ्लेक्स कराते हैं हमारे प्लांटर फुट को। और फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द एनी मसल फंक्शन, सबसे पहले मसल है टू सर्फेसेस। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सार्टोरियस। सार्टोरियस कोई भी मसल का दो सर्फेस होता है, एक तो इंसर्शन होता है, एक ऑरिजिन होता है। ठीक है, ऑरिजिन एंड होता है, दो एंड्स होते हैं, इंसर्शन एंड एंड ऑरिजिन होते हैं। ठीक, देन हमारा जो ऑरिजिन होता है वो फिक्स होता है, जो इंसर्शन होता है, कोई भी मसल का एक्शन जो होता है वो इंसर्शन जो होता है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होते हैं।